तो जब ये गाड़ी हमें मिली थी तब इसमें 91% चार्ज था और इसमें रेंज दिखा रहा था 200 किलोमीटर की। तो अब जब हम इस गाड़ी को 100 किलोमीटर के आसपास चला चुके हैं तो अब इसमें 51% बैटरी बची है और 102 किलोमीटर की रेंज अभी भी इस गाड़ी में हमको दिखाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में मैं जयदेव मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं NBT ऑटो। मैं पिछले 12 सालों से गाड़ी चला रहा हूं पर मैंने आज तक इतनी कॉम्पैक्ट गाड़ी नहीं चलाई है। तो ये आज हमारे साथ जुड़ी हुई है MG कॉमेट EV। तो आइए देखते हैं कितनी कंफर्टेबल ये कार है और कितनी प्रैक्टिकल साबित होगी ये इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में। तो आइए दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको MG कॉमेट का डिज़ाइन। तो शुरुआत करते हैं इसकी चाबी से। इसकी चाबी एक फिजेट स्पिनर की तरह दिखती है और काफ़ी स्टाइलिश चाबी है ये। इसमें आपको 3 बटन्स मिल जाते हैं, अनलॉक बटन, लॉक बटन और बूट ओपनिंग का बटन। तो आइए मैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल दिखाता हूं आपको। काफ़ी ही मिनिमलिस्टिक और सिंपलिस्टिक डिज़ाइन रखा गया है इसका। आपको यहाँ पर कनेक्टिंग DRLs मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा ग्लास एरिया मिल जाता है, काफ़ी छोटा सा हुड मिलता है और यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर पाएंगे, यहाँ से आप अपना हुड खोल पाएंगे और काफ़ी स्लोपी इसका ये डिज़ाइन रखा गया है। आप बात करें इसके हेडलैम्प्स की तो ये LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टर्न ऑन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा ये ग्रिल रखा गया है। इसका अप्रोच एंगल सिटी के हिसाब से एक डिसेंट एंगल रखा गया है और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको टोइंग के लिए ऑप्शन मिल जाता है और जब आप गाड़ी लॉक या अनलॉक करेंगे तो आपको ऐसे ये लाइट चमकती हुई नज़र आएगी। बात करें इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये आपको कनेक्टिंग क्रोम मिल जाता है आगे से जो आ रहा है और आपके ORVM तक आता है ये। और यहाँ पे अगर आप गाड़ी अनलॉक और लॉक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे ये इंडिकेटर्स टर्न ऑन होते हुए दिखाई देंगे और यहीं पर आपको ऐसा ही क्रोम एलिमेंट यहाँ पर एक आपके डोर हैंडल पर मिल जाता है। डोर हैंडल पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है कि अगर आपकी चाबी पास हो तो आप इसको ईजिली यहाँ से लॉक अनलॉक कर सकें। और ये आपको थोड़ा सा एक ब्लैक एलिमेंट दिया गया है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा विंडो एरिया मिल जाता है आपको और एक सीधा सा रूफ दिया गया है ताकि आपको अंदर अच्छा खासा हेडरूम मिल सके। बात करूँ इस गाड़ी के टायर्स की तो इसका 12 इंच के टायर्स दिए गए हैं और जो इसका व्हील बेस है वो है 2010 का और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिल जाती है। तो आइए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं इस कॉमेट EV की रेयर प्रोफाइल। तो यहाँ पे इसका काफ़ी सिंपलिस्टिक सा डिज़ाइन मिल जाता है, आपको कनेक्टिंग टेल लैंप मिल जाता है और जब भी आप कार लॉक अनलॉक करेंगे तो आपको ये ऐसे जगमगाती हुई दिख जाएगी लाइट। यहाँ पे आपको MG की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ कॉमेट की और यहाँ EV की बैजिंग मिलती है और यहाँ लिखा है इंटरनेट इनसाइड। यहाँ पे आपको आपका रिवर्स कैमरा मिल जाता है, ये आपके दोनों रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हो जाते हैं। तो चलने से पहले आपको दिखा देते हैं इस गाड़ी का बूट स्पेस और आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये आपका बूट यहाँ पे खुल जाएगा। आपने ये बूट खोला तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता, यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाता है आपकी गाड़ी का, यहाँ पे आपको पंचर रिपेयर किट मिल जाता है और अगर आपको इस स्पेस को इंक्रीज़ करना है और आप दो लोग या एक अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये दोनों सीट्स को ऐसे गिरा सकते हैं और अपना सामान रख सकते हैं। तो चलते हैं अब इंटीरियर की ओर। तो आइए मैं दिखाता हूँ अब आपको कि कॉमेट EV की सेकेंड रो कितनी कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे आप आइए और इसको ऐसे सीट को आगे करिए और ये आप बैठ जाते हैं MG कॉमेट की सेकेंड रो में। तो अब मैं आ चुका हूँ MG कॉमेट की सेकेंड रो में और दिखाता हूँ ये रो कितनी कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा नी रूम मिल जाता है, रूफ सीधे होने के कारण अच्छा खासा हेडरूम मिल जाता है और अगर सिटी में थोड़ा चलना चाहे तो आप यहाँ पे पीछे बैठ के भी सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेफ्टी के लिहाज से 3-point बेल्ट सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है। तो अब मैं आ चुका हूँ MG कॉमेट EV की फ्रंट रो में और आपको दिखाते हैं क्या क्या खासियत मिल जाती है, कैसा इसका डिज़ाइन है। तो यहाँ पे आपको डोल टोन या 3-tone इंटीरियर मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक अलग कलर है, यहाँ पे एक अलग कलर है और यहाँ पे थोड़ा सा मैट ग्रे का एलिमेंट वाला फिनिश मिल जाता है। तो ये आपको थोड़ा सॉफ्ट टच मिलता है, ये आपको थोड़ा हार्ड टच मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, आपको ये कंफर्टेबल फील होगा और ये जिसको आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंफर्टेबल सीट मिल जाती है, हालांकि ये लेदर रैप नहीं है तो आपको इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो लेदर लगवाना पड़ेगा ताकि आपके सीट्स गंदे ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, 10.25 इंच का MID स्क्रीन मिल जाता है। यहाँ पे आपको आपका IRVM मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल है। तो यहाँ पे आपको सन वाइज़र पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है और
बात करें यहाँ पे, अगर आपको हैजार्ड लैंप्स एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हैजार्ड लैंप्स का स्विच मिल जाता है। अगर आपको कैबिन लाइट ऑन करना है तो यहाँ पे ये आपको कैबिन लाइट मिल जाती है जो कि एलईडी लाइट है। उसके बाद एसी कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको इस गाड़ी के दो मोड मिल जाते हैं, इको और स्पोर्ट्स। यहाँ पे आपको अच्छा खासा एसी का थ्रो मिलता है ड्राइव करते वक्त, आपको कोई परेशानी ना हो जिसके कारण, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा यूटिलाइजेशन के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप छोटी मोटी बॉटल या कैन वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पे आपको चार्जिंग लगाने के लिए 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है। और अगर आप डेली यूज़ के लिए गाड़ी ले रहे हैं और आपको कुछ ऐसा हल्का फुल्का टांगना हो तो यहाँ पे आपको ये दो हुक्स मिल जाते हैं जिनमें आप कुछ टांग सकते हैं, और बाकी ये यूटिलाइजेशन के लिए स्पेस मिल जाता है। आप जैसे कि देख सकते हैं डोर में भी आपको यूटिलाइजेशन स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी ये थोड़ा सॉफ्ट टच एलिमेंट है। ये आपको जो स्पेस दिख रहा है ये थोड़ा वेंटिलेशन के लिए है, और यहाँ पे आपका स्पीकर आ जाता है। हालांकि आपको इसमें ग्लोव बॉक्स नहीं मिलता है तो आपको थोड़ी सी तो कमी महसूस होगी ही ग्लोव बॉक्स की। यहाँ पे आपको डायल मिल जाता है जहाँ पे रिवर्स का मोड है, न्यूट्रल का है, और है ड्राइव का मोड, और आपके पास चार्जिंग मोड मिल जाता है। उस समय आप इस डायल को नहीं घुमा पाएंगे। अगर आपको अपने विंडोज़ रोल डाउन या रोल अप करने हैं तो यहाँ पे आपको दो पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक मिल जाता है। तो सेफ्टी के लिहाज से आपको यहाँ पे सीट बेल्ट मिल जाती है और दो एयरबैग्स मिल जाते हैं, तो आपको सेफ्टी की भी कोई कमी नहीं लगेगी। और अगर आप इस सीट से इस सीट पर आना चाहें तो आपके लिए बहुत सारा एरिया है शिफ्ट करने के लिए। तो बताइए हमें इस गाड़ी का इंटीरियर कैसा लगा, और बने रहिए इस वीडियो में बाकी सारे सवालों के जवाब जानने के लिए कि इस गाड़ी का ड्राइव कैसा है, रोड प्रेजेंस कैसा होगा, और लोग इसको देख के क्या महसूस करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम चलाना शुरू कर चुके हैं MG Comet EV। तो बात करूं इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको 42 BHP का हॉर्स पावर मिल जाता है, 110 Nm का टॉर्क मिल जाता है, और पावर और परफॉर्मेंस दोनों मेल खाती हैं। क्योंकि सुबह से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ और मैं इस गाड़ी में पावर की कोई कमी महसूस नहीं कर रहा हूँ। पावर इस गाड़ी में खूब भर भर के है, और जैसा कि मैं बता दूँ मैं सुबह से दिल्ली में इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो मुझे अभी तक ऐसा भी कोई ट्रैफिक में वो फ्रस्ट्रेशन फील नहीं हुई जो कि आपको और गाड़ियों में महसूस हो सकती है। जैसे कि आप अगर मैनुअल कार चलाएंगे तो आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक ऑटोमेटिक कार है तो इसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आ जाता है। ये ईवी कार है तो इसका पिकअप बहुत अच्छा है। और बात करें इस गाड़ी के वेरियंट्स की तो इसमें तीन वेरिएंट्स आने वाले हैं, ऐसा कंपनी ने अभी हमें बताया है। और इस गाड़ी में आपको दो मोड्स मिल जाते हैं, एक है आपका इको मोड, एक है आपका स्पोर्ट्स मोड, और एक है आपका नॉर्मल मोड जिस पे गाड़ी आएगी और मिलेगी आपको। तो अब अगर आप नॉर्मल मोड पे चलाना चाहते हैं तो आप अपने इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में देख सकते हैं वो कितना रेंज देगी, क्या कुछ उसका परफॉर्मेंस रहेगा। और अगर आप इको मोड में चलाना चाहते हैं तो आप उस पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इको मोड में चलाने का फ़ायदा ये रहेगा कि आप ज़्यादा रेंज निकाल पाएंगे। तो रही बात रेंज की तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या चाहे IC इंजन वाला व्हीकल हो, पर डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल कैसी है। अगर आपको रेंज निकालना हो या माइलेज निकालना हो तो आपको ड्राइविंग स्टाइल अपना सही करना पड़ेगा, एक सही तरीके से आपको ड्राइव करना पड़ेगा, तभी रेंज वाली चीज़ मुमकिन हो पाएगी। अगर आप इसको बार बार थ्रॉटल देके पिकअप करते रहेंगे तो शायद ये उतना अच्छा रेंज ना दे पाए। और अगर आप जैसे कभी इस गाड़ी को तेज चलाने का मन है या कभी आप जल्दी चलाना चाह रहे हैं या आप अभी हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो आप इस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में डाल सकते हैं और अपनी स्पीड का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो बाकी अगर बात करूं मैं इसके सिटिंग पोजीशन की तो सिटिंग पोजीशन मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक है, पर और बेहतर किया जा सकता था क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट की है। तो मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूं कि मैं अभी थोड़ा ऊपर बैठा हुआ हूं। तो थोड़ा सा अगर मैं नीचे होता तो मेरे को और थोड़ा अच्छा व्यू मिल जाता, क्योंकि मेरा व्यू कहाँ रुकता है, मेरा व्यू रुकता है IRVM में। यहाँ का IRVM जब गाड़ी आप इस तरफ मोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर दे सकता है, क्योंकि आपको वो जो मेन व्हीकल जो आपके सामने चल रहा होगा या आपके सामने से आने वाला होगा वो आपको उस समय नहीं दिखाई देगा। बाकी ट्रैफिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है गाड़ी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एकदम आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं और आप बहुत ईजी रहेंगे इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए।
बाकी एसी के थ्रो की मैं बात करूं अगर, तो एसी का थ्रो बहुत अच्छा है। छोटी गाड़ी होने के कारण आपकी गाड़ी जल्दी कूल होती है, और इसमें एक फीचर और है कि जब आप गाड़ी बाहर से अनलॉक कर देंगे तो इसके एसी अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप जब गाड़ी में एंटर करेंगे तो आपको गर्माहट फील नहीं होगी, आप आराम से एक ठंडे एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे। तो ये भी एक इस गाड़ी का एक प्लस पॉइंट है। और बाकी स्टेयरिंग कंट्रोल्स वगैरह की बात करूँ तो स्टेयरिंग बहुत स्मूथ है, आप आराम से चल सकते हैं। सस्पेंशन वगैरह में भी ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी आपको, हालांकि अगर कोई बड़ा गड्ढा होगा तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है गाड़ी की। अब बात करते हैं इस गाड़ी के रोड प्रेजेंस की। तो रोड प्रेजेंस ऐसा है इस गाड़ी का कि जब से हम इस गाड़ी को बाहर लेके निकले हैं, लोगों ने हमें रोक रोक कर पूछा है कि इस गाड़ी का प्राइस क्या है, ये गाड़ी दिखने में तो बहुत अच्छी है, ये गाड़ी कब मिल पाएगी। तो देखते हैं भारतीय बाज़ार में जब ये गाड़ी आएगी तो देखेंगे कि लोग इसको कैसे पसंद करते हैं और कैसा रिस्पॉन्स देने वाले हैं। हालांकि हमने दो चार लोगों से जब बात की तो हमें पता चला कि उन्होंने इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी व्हीकल पाया कि ये चार लोग बिठा भी सकती है, अगर आप दो लोग हैं तो आप इस गाड़ी की सीट फोल्ड करके बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं इसका, और ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन साबित हो सकता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग घर में दो दो गाड़ियां रखते हैं, एक लॉन्ग कम्यूट के लिए जैसे कि एसयूवी टाइप गाड़ी हो गई, और डेली कम्यूट के लिए अगर आप इस गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा पाएंगे पोल्यूशन की मार से। बैटरी परफॉर्मेंस को अगर थोड़े छोटे गणित से समझाने की कोशिश करूँ आप सभी को, तो जब ये गाड़ी हमें मिली थी तब इसमें 91% चार्ज था और इसमें रेंज दिखा रहा था 200 किलोमीटर की। तो अब जब हम इस गाड़ी को 100 किलोमीटर के आसपास चला चुके हैं तो अब इसमें 51% बैटरी बची है और 102 किलोमीटर की रेंज अभी भी इस गाड़ी में हमको दिखाई जा रही है। हालांकि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एमजी ने हमें बताया कि जब इस गाड़ी की 30% पे बैटरी आ जाएगी तो बैटरी ऑरेंज कलर की होने लग जाएगी, ताकि वो आपको चेतावनी दे दे कि अब आपकी बैटरी कम हो गई है, और जब ये 20% पे आ जाएगी तो ये लाल हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने आपको दिखाया है ये नई MG Comet EV का ड्राइव एक्सपीरियंस। आपने इसका एक्सटीरियर देखा, इंटीरियर देखा, और आपने देखा हमारे साथ इसका परफॉर्मेंस। और अगर आप भी एक EV खरीदने की सोच रहे हैं या आपके कोई दोस्त खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, ये गाड़ी जल्द ही मार्केट में आने वाली है, तो शायद आप जब इसको देखने जाएं तो पसंद भी आ जाइए। और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।